राजनीति एक के बाद एक पुराने इतिहास से निकाल निकाल कर जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हो सभी पर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अन्ना आंदोलन के दौरान किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट थी, क्योंकि ये आरोप सीधा लग रहा है और इसका सीधा जवाब भी बीजेपी की तरफ से मिल रहा है। और उसी पर संजय सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, दो मुद्दों पर जवाब दीजिए। नंबर एक, क्या वाकई उस वक्त दबाव डालती थी किरण बेदी कि आप बीजेपी के खिलाफ मत बोलिए, यही वजह थी कि आप लोग दबाव में आए और आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ ना के बराबर बोला, यानी क्या आप बीजेपी पर मेहरबान रहे क्योंकि किरण बेदी ने आप पर दबाव डाला? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, अगर ऐसा था और आप लोग जानते थे उनका इतिहास, उनका किस तरफ झुकाव है बीजेपी की तरफ, फिर भी आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उनको क्यों बनाना चाहते थे? दोनों सवालों के जवाब। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और थोड़ा देर से मैं जुड़ा हूं तो समय आपसे जरूर चाहूंगा। जी बोले। पहली बात तो ये कि आंदोलन में लेफ्ट राइट सेंटर बहुत तरह के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। कोई पार्टी का आंदोलन चलता है तो उसमें उस पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन जब कोई आंदोलन होता है, चाहे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन रहा हो, चाहे आजादी का आंदोलन रहा हो, भ्रष्टाचार विरोधी कोई आंदोलन रहा हो, उसमें तमाम विचारधाराओं के लोग आते हैं, लेकिन जो नेतृत्व करता है उसकी भूमिका को देखना होगा। हमने कभी बीजेपी या कांग्रेस को भेद करके भ्रष्टाचार के मामले में सेलेक्टेड उनके खिलाफ कोई बयान या अभियान चलाया हो, ऐसा नहीं हुआ। हां, एक प्रमाण जो आप लोगों के सामने भी है और आपकी जानकारी में भी है, कोयला क्रांति का, जब हम लोगों ने तय किया था कि नितिन गडकरी के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे, उसमें किरण बेदी जी ने आने से साफ इनकार कर दिया और हम लोगों ने उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एबीपी न्यूज चैनल के इंटरव्यू पे भी साफ तौर पे कहा था कि हां, इसमें उन्होंने कहा कि गडकरी के खिलाफ आप प्रदर्शन मत कीजिए, उनके खिलाफ आप आवाज मत उठाइए। यहां प्रश्न उठता है मन में कि आप इस तरह के दबाव क्यों बना रही हैं, क्योंकि अजय संचेती जो नितिन गडकरी के सहयोगी थे उनका भी नाम आया था कोयला घोटाले के मामले में। मैं एक सवाल आपसे करूं संजय जी, आपने कहा संजय जी, मैं एक सवाल करूं के तौर पे, मैं एक सवाल करूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री किरण बेदी बने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री किरण बेदी बने, हां या ना? मैं जवाब तो पूरा सुन लिया, आपने तो सवाल बीच में ही ला दिया फिर से। चलिए ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी बनेगी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी नीतियों और कार्यक्रम पे चलती है। किरण बेदी जी को लगा कि हम इस पार्टी की नीतियों में नहीं, हमें जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ वो नहीं जुड़ी, उनको लगता है गडकरी के ज्योतिषी को बनाने वाली नीति के साथ जाना चाहिए, प्रश्न का जवाब देना होगा की मूर्ति केजरीवाल भी एजेंट थे, वो उनके साथ जा रही है क्या? अरविंद केजरीवाल भी किसी पार्टी के एजेंट थे कि अरविंद केजरीवाल एजेंट थे? आप नहीं तो किरण बेदी को साफ क्यों रखना चाहते थे? तब बोलिए उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे? आप बीच में मत बोलिए, जवाब से पूछा जाए तब बोलिए। ऑल एलिगेशंस पार्टी के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, आपकी चेहरा उतर गया है। तो संजय जी, अब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? संजय सिंह साहब आपने किरण बेदी को संजय सिंह साहब क्यों घोषणा करना चाह रहे थे, उसके साथ गठबंधन करके आप संजय सिंह साहब, संजय से आप भाग रहे हैं, प्रश्न से भाग रहे हैं, आप प्रश्न से भाग रहे हैं, चुपचाप रहिए, जवाब को समझ आप प्रश्न से भाग रहे हैं, ठीक है? आप एक सेकंड, आप मैं हो गई हूँ, एक सेकंड, ठीक है राव साहब, एक सेकंड, आपसे निवेदन है राव साहब, दिल्ली के लोग देख रहे हैं क्यों मुख्यमंत्री पद ऑफर किया, जो कुछ नहीं हो पाया तो बेदी से। राव साहब आपसे निवेदन है, एक सेकंड संजय सिंह साहब, अरविंद केजरीवाल चाहते थे एक वक्त पर कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट बने किरण बेदी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। अंजना ओम कश्यप जी, अगर आप जवाब सुनना नहीं चाहती और इस तरह से टोकेंगे तो मैं अपनी जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर अब मैं हाथ ले जाके उनके मुंह पे तो रख नहीं सकती हूँ, जैसे आपसे निवेदन कर रही हूँ उनसे भी कर रही हूँ। अरे जीवी नरसिम्हा राव साहब, प्लीज जवाब नहीं दे रहे हो, राव साहब प्लीज नहीं दे रहे हैं। मिनट बाद में आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिर बोल रहे राव साहब, नहीं आप प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं कुछ नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, अहंकार मत दिखाइए राव साहब, प्लीज अपनी बात कहने दीजिए, चुप तो होइए, प्रश्न का जवाब दीजिए, चुप तो होइए महाराज, चुप तो होइए, प्रश्न का जवाब दीजिए संजय भाई,
संजय सिंह साहब के हिसाब से नहीं चलाएंगे, जवाब दीजिए सिंह साहब। एक पार्टी चलती है पार्टी के नियमों से, पार्टी की नीतियों से, पार्टी के कार्यक्रम से। जब हमने अपनी पार्टी बनाई, उसकी नीति कार्यक्रम नियम बनाए, उसके बाद हम उनके पास गए। सब छोड़िए भाई, आप इस पार्टी को, आप किरण बेदी को अपने पार्टी में शामिल करना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, साथ जाना अच्छा है तो गई, ये उनकी मर्जी है। संजय जी ये बात ठीक है, नहीं नहीं आप संजय जी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाले एक व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे, इसमें हामी भर दीजिए खाली या इसको नकार दीजिए। बीजेपी की तरफ उनका झुकाव था, आईएसी की तरफ वक्त से, या आप ही लोग कह रहे हैं क्यों भाग रहे हैं? आम आदमी पार्टी के संविधान नियम नीति कानून में जिसको यकीन है, श्रद्धा है, वो पार्टी में आए। अंजना जी ठीक है, मैं कुछ नहीं, उन्होंने अपने तरीके से जवाब दे दिया, ठीक है। आप वो कह रहे हैं हम हालचंद के साथ राजनीति करेंगे, वो स्वतंत्र है। वो कह रहे हैं हम साक्षी महाराज के साथ राजनीति करेंगे, वो स्वतंत्र है। अंजना जी वो कह रहे हैं जहां जींस पहनने के लिए अलाउ नहीं किया जाता लड़कियों को, ऐसे मुख्यमंत्री के बयान के साथ वो जा रही हैं, वो जाए, वो स्वतंत्र है उसके लिए, ठीक है, ठीक है। और अंजना जी, राव साहब आखिरकार किरण बेदी ने फैसला लिया, बोलने नहीं देंगे, आखिरकार किरण बेदी ने एक पॉलिटिकल फैसला लिया, थोड़ा चुप रहा करें और प्रवचन दिया करें। अंजना जी मुझे दो सेंटेंस बोलने दीजिए, तब प्रश्न पूछिए। जिन लोगों ने इनके दो लाइन के बाद संजय निरुपम जी फौरन आपके पास, जल्दी से राव साहब, आपके अंदर कोई नैतिकता ईमानदारी है? सुन लीजिए, जिन लोगों ने कहा भारत जलाओ पार्टी है, उस रामविलास पासवान को आप अपने कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं, आप भटक रहे हो, आप हमें नैतिकता, आप भाग रहे हो चर्चा से, भाग रहे हैं चर्चा से, आप भाग रहे हैं, आप नैतिकता से भाग रहे हैं, आरोप लगाकर भ्रष्टाचार के जवाब देता हूं अजप्पा से लेकर गडकरी से लेकर तमाम लोगों ने। बोलिए राव साहब जल्दी से, दो लाइन, चार बच्चे पैदा करो, अरविंद केजरीवाल आपके एक मुख्यमंत्री सुन लीजिए, जींस नहीं पहनने, सुन लीजिए, सुन के बोल दीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पहले सुन लीजिए भाई, इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हो, पहले तो सुन लीजिए, कभी अंजना जी की बात करते हो, कभी किरण बेदी, ये किरण बेदी किरण बेदी जी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बहुत प्रयास किया था, उनको लगा था 2013 चुनाव में सक्सेस पाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने किरण बेदी जी को आमंत्रण दिया था, जब किरण बेदी उनके साथ नहीं जुड़ी, अरे तब चुप हो गए, जब ये भाजपा में अभी शामिल हो गई, अभी शामिल हो गई है, उनको उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये बौखला गए हैं, इनको लगता है हमारे साथ नहीं जुड़ी तो हम उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, अरे राव साहब आपके साथ लगेगी, राव साहब साथ रहेगी तो आरोप तो आप पर भी है, आपने खुद कहा कि किरण बेदी बीजेपी के नेताओं से संपर्क में थी, क्या आपने आंदोलन का, क्या आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे जंग का इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए और फिर उसी किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट बना दिया? राव साहब मैंने भी पॉइंटेड सवाल पूछा आपसे, जवाब दीजिए इसका, पॉइंटेड सवाल है, आपने आंदोलन का इस्तेमाल किया कांग्रेस के खिलाफ? नहीं सुनिए, ये आंदोलन क्या था, ये कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार था, आज कांग्रेस पार्टी ने ये कहा ये इंडिया अगेंस्ट किरण बेदी आपसे संपर्क में थी तो क्या बातें होती थी, इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्या भ्रष्टाचार आपने किया था? नहीं नहीं, जो पार्टी के नेता उनसे इसलिए टच में थे कि अन्ना आंदोलन को खत्म करने के लिए वो सभी पार्टी के नेताओं के पास गए हैं, उन्होंने किया था, सभी पार्टी के पास मुलाकात हुई उनसे, राजेश संचेती ने जो कोयला घोटाला किया था उसके खिलाफ बोलने से उन्होंने रोका था, आप पूरा देश जानता है, आपने क्या घोटाला किया सब जानते हैं, अजय संजय सिंह कोयला घोटाला जो किया था, अब मुझे संजय निरुपम जी के पास जाने दीजिए, संजय निरुपम जी के पास मुझे जाने दीजिए, संजय जी दोनों मामले में कीचड़ उछालने की कोशिश, संजय जी ये आपके मुंह पर वापस गिरेगा, काला धन अभी मिला, राधा टिम्बलो की कंपनी का नाम आया उससे 1 करोड़, आपके पास जवाब नहीं है, आप कहां कहां भटक रहे हो भाई, दोनों संजय जी अब अजय माकन जी भी इस मुद्दे को भुना रहे हैं, 1 सेकंड, दोनों से निवेदन है, आप सवाल पर जवाब नहीं दे रहे, प्लीज आप दोनों से निवेदन है, प्लीज थोड़ी सी गर्मा रखिए, हर कोई आपको इस वक्त टेलीविजन पर सुन रहा है, प्लीज अपनी बारी आने पर ही बोले, आप दोनों से निवेदन है, संजय निरुपम जी ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक सीधा सवाल है, अजय माकन भी अब मुद्दे को भुना रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि यार आपने भी पहले नहीं लगाया था कि किरण बेदी के कुछ ऐसे इंक्लिनेशन है, अब चूंकि आम आदमी पार्टी कह रही है आप भी उसमें भुना रहे, हाथ सेक रहे हैं। मैं जवाब दूं? बोलिए, जवाब दूं ना? बिल्कुल संजय जी बोलिए, प्रश्न ये है, किरण बेदी
हाँ, किरण बेदी योग्य हैं कि नहीं है, अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, ये बात की बात है। पहले नरसिम्हा राव जी को बताना पड़ेगा कि उनकी भारतीय जनता पार्टी में ही लोग सहमत नहीं है किरण बेदी के नाम पे। जिस दिन से किरण बेदी का नाम अनाउंस हुआ है, उस दिन से बीजेपी के दफ्तर के बाहर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। एक मिनट, नरसिम्हा राव ये गलत बात है, आप हमें बोलने दीजिए। आपकी सरकार इसका मतलब सबकी जुबान नहीं बंद कर देगी। आप सरासर गलत बात आप कर रहे हैं। जब आपकी बारी आए आप बोलिए, हम लोग चुप रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन था, जिस आंदोलन के कोख से निकली है पार्टी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मूल थे। मैं इस बात से केजरीवाल की इस बात से सहमत हूं। दूसरी बड़ी बात यह है कि उस समय के जो आंदोलनकारी थे वो सरकार के संपर्क में थे, क्योंकि लोकपाल की ड्राफ्टिंग पर चर्चा हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में क्यों थे, कौन सी ड्राफ्टिंग पे चर्चा हो रही थी? सभी पार्टी बात के, सभी पार्टी वीके सिंह हो या साजिया इल्मी हो या किरण बेदी हो, ये एक महत्वपूर्ण। नरसिम्हा राव साहब जवाब दीजिए, क्या बात हो रही थी? क्योंकि सरकार को बनाना था लोकपाल बिल, बीजेपी से क्या बात हो रही आप अंजना जी इस पे मुझे स्पष्टीकरण, आपको आप बिल्कुल इसको गलत रूप से आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जब आंदोलन हो रहा था सभी पार्टी के नेता आंदोलनकारियों से जाके मिलते थे, सबसे मुलाकात होती थी। अन्ना हजारे फास्ट पर थे, उनकी हेल्थ काफी डिटेरियोरेट हो गई थी, वो उनकी अच्छा, उनकी स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता थी उस समय। वो सभी पार्टियों के नेता से चर्चा में थे, तो इसलिए आप गलत प्रस्तुत मत करिए इसको। अरविंद केजरीवाल भी सभी पार्टी के साथ बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए कोई अलग से किरण बेदी की किसी से मुलाकात हुई, ये मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको सुनिए, इनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने उनके साथ जोड़कर उनको मदद करेगी। जब किरण बेदी उनके साथ नहीं मिली और हमारे साथ आ गई है, अभी इनको लगता है ये बौखला गई है आम आदमी पार्टी, ठीक है, इसलिए किसी प्रकार की आरोप लगा करके। आप ही के आरोप के बाद अब वीके सिंह साहब ने भी प्रतिक्रिया इस पर दी है, जो कुमार विश्वास ने उन पर कहा था, वो सुन लेते हैं, फिर संजय सिंह से जवाब लेते हैं। कुमार विश्वास जी की शायद याददाश्त खराब हो गई है या उनको झूठ बोलने की आदत ज्यादा पड़ गई है, और मुझे तो तरस आता है कि जो लोग उनके लिए वोट देंगे कि ऐसे झूठे और फरेबियों को वोट देंगे। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ना हिस्सा था, ना मैं उनकी किसी मीटिंग में था, ना मैं कभी उनके साथ बैठा था। मैं अन्ना जी का अनशन तोड़वाने के लिए गया था और तब से मैं उनके साथ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग ऐसी फरेबी बात बोल सकते हैं उनके ऊपर अगर दिल्ली की जनता विश्वास कर ले तो भगवान उनका भला करे। संजय सिंह साहब, दो छोटी छोटी बात बीके सिंह जी ने छोटी छोटी बात मुझे कहनी है। अगर ये बात आमने सामने आपके चैनल पे बैठ के वो कह देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आपके चैनल पे ऑन एयर बोल रहा हूँ। बीके सिंह जी ने मेरे सामने कहा था जिंदगी में कभी भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, जिंदगी में कभी बीजेपी में जाने का प्रश्न नहीं उठता। मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तीनों लोग बैठे थे हमारे सामने, बीके सिंह जी ने कहा था कि जिंदगी में कभी भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्रश्न नहीं उठ सकता। बड़ी खबर है और सीधा आरोप भी है, और एक ऐसे शख्स पर जो इस वक्त मंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने की बात उन्होंने साफ साफ तमाम लोगों के पास कही थी कि मैं कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं जाऊंगा। चूंकि अब वक्त की कमी है और हमें इस कार्यक्रम का अंत करना है, संजय जी निवेदन है प्लीज सिर्फ दो लाइन में अपनी दोनों बातें जल्दी से कह दीजिए। बीके सिंह जी सामने बैठ के बताया आपके चैनल पे मैं डिबेट करना चाहता हूँ, अगर वो आना चाहे। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, संजय सिंह अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था, आपको बीच में ही बोलना होगा क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं बाकी कुछ कर सकूं। अरविंद केजरीवाल जी अपनी बातों से मुखर गए हैं, आप अरविंद केजरीवाल को बताइए जनता को समझाने का, जब वो आंदोलन कर रहे थे क्या उन्होंने कहा था?